ये हम सब लोगों का, मेरा नहीं है, सब लोगों का चैनल है। तो वैसे फ्यूल, लो फ्यूल इंडिकेटर ऑन हो गया है। सबसे पहले हम लोग फ्यूल भराएंगे, उसके बाद आज एक ज़बरदस्त अनाउंसमेंट करेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रिप स्टार्ट होने वाला है हमारा, और उसका हम अनाउंसमेंट करेंगे। इससे आगे बढ़ें, डोमिनार है तो टेंशन क्या, कोई भी ओवरटेक हो जाएगा भाई। इस रोड में हम अपने बादशाह हैं। सावधानी से, सावधानी से, सावधानी से चलिए, चलिए फुल टैंक कराएंगे और एक एक अच्छा सा अनाउंसमेंट करेंगे। ट्रिप वन हो गया रीसेट, पेट्रोल भरा लिया 6 लीटर। तो इट्स टाइम टू अनाउंस समथिंग वेरी एक्साइटिंग, और वो एक्साइटिंग अनाउंसमेंट ये है कि हम लोग जाएंगे ले एंड लद्दाख। ये फाइनली 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 मैं पूरी तरह से डिटरमिन्ड हूँ ले और लद्दाख जाने के लिए। 12 या 13 तारीख से मेरी राइड यहीं से बिहार से स्टार्ट होने वाली है। जो रूट प्लान है वो सब मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि मैं कश्मीर होते हुए जा रहा हूँ या ले मनाली होते हुए जा रहा हूँ। अभी के लिए फ़िलहाल ले मनाली रूट ओपन हो चुका है, तो हम लोग उस रूट से भी जा सकते हैं। ये आज का अपडेट है, एंड आई एम कीपिंग ए वेरी क्लोज आई ऑन ऑल द डिटेल्स ऑफ द रूट ऑफ ले एंड लद्दाख। और प्लान है अच्छे से इंजॉय करेंगे, तो वो हमारा एक ट्रिप प्लान है, वो मेरा ड्रीम राइड है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो वो है, और उसके पहले, उससे भी पहले जो लोग हमारे व्लॉग को देखते हैं, बहुत कम लोग देखते हैं, बट फिर भी जो लोग देखते हैं उनको मालूम है कि मेरे कमर में थोड़ा मेजर प्रॉब्लम आया है। वो उसको मैं न्यूरोलॉजिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट से भी दिखा रहा हूँ, बट वो पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुआ है। और वो मुझे हर्ट करता है जब मैं ज़्यादा देर बैठता हूँ बाइक पर या फिर कार में या फिर चेयर पर, तो वो मुझे थोड़ा दर्द करता है। एक्सरसाइजेस कंटिन्यू हैं और मैं मेडिसिन भी ले रहा हूँ, बट अभी पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हो रहा। बट इस बार मैं डिटरमिन हूँ, क्योंकि ईयर एंड ईयर, ओ माई गॉड थैंक यू डोमिनार फॉर स्टॉपिंग इन सच ए ब्यूटिफुल वे। भाई ये बहुत ही खतरनाक है ये, आई एम सॉरी टू से, बट बिहार में देखने के लिए मिलेगा आपको। तो एनीवे, दैट वाज अ लाइव एग्जांपल, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो जो फिजिकल फिटनेस है मेरा वो 100% तो नहीं है, इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि ये जस्ट 40% है कंपेयर टू व्हाट आई यूज्ड टू बी बिफोर। जैसा मेरा हेल्थ और फिजिकल फिटनेस पहले हुआ करता था, उसका जस्ट मुझे 40% है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रिप में जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वही मेरा डैमेज है। कमर में स्ट्रेंथ होना चाहिए आप जब बैठते हो बाइक पे फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। तो और आपको तो मालूम ही है लेह लद्दाख के टेरेन, दैट इज़ नथिंग न्यू फॉर ऑल ऑफ अस। तो वो मुझे एक डर है भैया, तो वो एक मुझे टेंशन है। बट मुझे लगता है कि अगर मैंने अभी नहीं किया तो फिर कभी कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम जो मेरे कमर के साथ में, अगर ये फ्यूचर में भी परसिस्ट किया और या बढ़ ही गया, तब तो जो भी थोड़ी बहुत संभावना है बाइक के साथ में मुझे बाइक राइड करने का, वो भी ख़त्म। तो ये मेरे लिए डू एंड डाई टाइप का है, करना है। उसके बाद भले ही मुझे बाइक ना चलाने का मौका मिले, बाइकर्स के लिए ड्रीम होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने ये बाइक लिया था, लेह लद्दाख को और लॉन्ग रूट्स को ध्यान में रख के। तो वो मैं करने वाला हूँ, प्रिपरेशन इज इन फुल स्विंग। जैसे कि मैं क्या क्या चीज़ें कैरी करने वाला हूँ, वो सब कुछ मैं आपको बाद में एक डिटेल व्लॉग बनाऊँगा, प्रिपरेशन फॉर लेह लद्दाख एज ए न्यू यू नो ट्रैवलर टू लेह लद्दाख, जिसका कोई पहला पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है लेह लद्दाख जाने का, वो अपने आप को कैसे प्रिपेयर करता है। ऑफ कोर्स आई हैव रीडन अ लॉट ऑन ए नॉर्मल हाईवे एंड ए नॉर्मली हिली टेरेन लाइक वायनार, कुर्ग, ये सब जो जगह हैं, ऊटी, ये सब पहाड़ों में मैंने बहुत चलाया है बाइक। और
बट फिर भी लेह लद्दाख अपने आप में एक अलग ही टाइप का टेरेन है, क्योंकि वहाँ पर आपके आपके बहुत सारे फिजिकल फिटनेस की टेस्टिंग होती है, और कई जगह पे जो है मतलब हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की इश्यूज आते हैं, या जहाँ पर सांस लेने में लोगों को दिक्कत होता है तो वो भी है, और आपको रहने का दिक्कत, ठंड, वेदर कभी भी कुछ भी चेंज हो जाता है, उन सब चीज़ों का इशू रहेगा। तो मेरे लिए सब कुछ नया होने वाला है। बाइक राइडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड, मैं कहीं भी कुछ भी राइड कर सकता हूँ, कितनी भी देर राइड कर सकता हूँ, फिटनेस मुझे क्या करने देगा वो देखेंगे, बट मेंटली मैं प्रिपेयर्ड हूँ। और जो प्रिपरेशन है कि मैं क्या लगेज लेकर जाऊँगा, क्या क्या अपने साथ में कैरी करूँगा, उसके बारे में मैं एक डिटेल्ड व्लॉग बाद में बनाऊँगा। शॉपिंग मैं कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, जो भी चीज़ें मुझे ज़रूरी हैं, और क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ और ये भागलपुर सिटी है मेरे लेफ्ट साइड में, ये बाईपास है, और बहुत ही ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ मेरे लिए जो ज़रूरी है यहाँ पे ख़रीदने के लिए, चाहे वो ग्लव्स से रिलेटेड है, विंटर सीजन से जुड़े हुए कपड़ों की ज़रूरतें हैं, वो मुझे नहीं मिलेगा। अ लॉट टू हैपन ओवर द पीरियड ऑफ वन मंथ। आई होप यू गाइज विल ऑल्सो बी एक्साइटेड, एंड आई प्रे टू गॉड दैट माई ट्रिप at least it will happen in reality this time, it should not be cancelled, I should not get any setback, तो वो चीज़ मैं pray कर रहा हूँ भगवान से, और आप लोग भी pray कीजिए कि मैं इस बार इस trip पर जा सकूँ, ये cancel ना हो किसी भी तरीके से, और मेरी physical fitness मुझे help करे to accomplish this dream which I have seen for many years। तो बहुत ही एक माइनर सा मॉडिफिकेशन कराना है मुझे मेरे बाइक में, और वो रहेगा एक यूएसबी चार्जिंग पॉइंट, क्योंकि जो मेरा एक बहुत बड़ा चैलेंज मैं एक एंटिसिपेट कर रहा हूँ वो ये कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम मिलेगा लेह लद्दाख में, नहीं भी मिल सकता है, मैं कहाँ नाइट स्टे करूँगा, कहाँ नाइट स्टे करने का मौका मिलेगा अलग अलग लोकेशन पे, अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिला तो मेरे पावर बैंक, एक्शन कैमराज के बैटरी और मोबाइल ये सब मैं चार्ज नहीं कर पाऊँगा, तो वो चीज़ें हैं। इस वजह से मैं इसमें एक यूएसबी चार्जर पॉइंट इंस्टॉल करवाने वाला हूँ, एंड इट विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद दी बैटरी सो दैट देर विल बी नो ऑल्टरेशन विद द वायर। मैं उस चीज़ के लिए बहुत ही कंसर्न हूँ, क्योंकि वायर ऑल्टरेशन करने के बाद जो है आपके बाइक की वारंटी वॉइड हो जाती है। जितने अच्छे तरीके से प्लान कर सकता हूँ उसकी कोशिश कर रहा हूँ, उसी क्रम में ये एक ट्राय है जो मैं बाइक राइड करना शुरू कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ, अपने आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अच्छे जहाँ पर बम्पी रोड कंडीशन, वहाँ पर मेरा जो कमर है वो कैसे मुझे रेस्पॉन्ड कर रहा है, हाई स्पीड, लो स्पीड, टर्निंग, और जो मतलब डार्क में बाइक चलाने का एक्सपीरियंस है अंधेरे में, और बाइक को भी मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्लोजली कि इफ़ एवरीथिंग इज़ इन परफेक्ट कंडीशन और इट नीड्स एनी मेंटेनेंस। मैं जानता हूँ आप सभी लोग ड्रीम तो ज़रूर देखते होंगे कि एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम लेह लद्दाख करना, ये हर लोगों का ड्रीम होता है, तो आप लोग ये व्लॉग देखिएगा ज़रूर, अगर देखेंगे तो शायद आपको ये मालूम चलेगा कि एज ए फ्रेश गाय हु हैज़ नो एक्सपीरियंस टू लेह लद्दाख, हाउ विल ही प्लान, how will he travel to Leh and Ladakh, and most importantly in other way ki ek naye bande ka kaisa experience rehta hai Leh Ladakh mein, wo cheezon ko kaise observe karta hai, pahad ko kaise dekhta hai, wahan ki ghatiyon ko kaise dekhta hai, main usko kaise feel kar raha hu, aap meri nazron se ye cheez ko dekh sakte hain, samajh sakte hain, to aap agar ye vlog dekhenge aane wale series mein to aapko pata chalega। और ये बिल्कुल ही मेरे टाइप का व्लॉग रहेगा, मैं थोड़ा सा स्लो व्लॉगिंग करता हूँ, कंटेंट थोड़ा लंबा होता है मेरा। वैसे लेह लद्दाख तो जिन लोगों का ड्रीम होता है वो आधा तो वर्चुअली घूम चुके होते हैं व्लॉग देखकर, बहुत सारे लोगों का तो, बट मेरी नज़र से देखिए मेरी लाइफ कैसे गुजरती है अगले एक महीने, और इन प्रॉब्लम के साथ में जो मेरे कमर में है, जो कि बहुत ही गंदा सा प्रॉब्लम है, जो नस दब रहा है दो हड्डियों के बीच में, और जब उन हिली टेरेंस में पथरीले रोड मिलेंगे तो पता नहीं क्या होगा, उससे भी पहले जब मैं लंबे स्ट्रेच पे लगातार बाइक राइड कर रहा हूँगा तो वहाँ पर मेरे कमर के साथ में क्या होने वाला है आई डोंट रियली नो। तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग, वेरी वेरी एडवेंचरस।
तो इस बार मैं बिल्कुल ही डिटर्मिंड हूँ इस ट्रिप को करने के लिए। बहुत सारे रेसिस्टेंस मिल रहे हैं मुझे, मेरी मम्मी से, मेरे रिलेटिव से, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये जो पैसे इधर लगाओगे इन्वेस्ट कर दो कहीं पे। मैंने बोला कि ये एक इन्वेस्टमेंट ही है, ये मेरे लाइफ का इन्वेस्टमेंट है, मैं ये करने के लिए कोई दूसरा जन्म नहीं लेने वाला हूँ और मैं बिल्कुल ही फायर मूड में हूँ। नो बडी विल बी एबल टू स्टॉप मी एक्सेप्ट गॉड, और वही मेरा हेल्प करेंगे, वही मेरे फिजिकल फिटनेस को दुरुस्त रखेंगे। एंड आई एम रियली वेरी वेरी डिटरमिन्ड टू डू दिस टाइम लेह एंड लद्दाख। बहुत लंबे सालों का ड्रीम है और इधर से कुछ एक बार से लगातार ये कैंसिल हो रहा है। सो प्लीज़ आप लोग देखिए इस व्लॉग को एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ये सब ब्लॉग देखने के लिए मिले। नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं ब्लॉग अपलोड करूँगा। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, आई ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड व्लॉग एज अर्ली एज पॉसिबल। ऐसा नहीं होगा कि मैं पूरा ट्रिप करके आऊँगा, पूरे ट्रिप के रिकॉर्डिंग मेरे कैमरा में रहेंगे, मेमोरी कार्ड में रहेंगे और उसको बाद में मैं एडिट करके अपलोड करूँगा। ऐसा नहीं होगा इस बार। इस बार मैं कोशिश करूँगा कि जैसे जैसे मेरा ट्रिप होता जा रहा है, 2-3 दिन के ही डिफरेंस पे मैं आपको व्लॉग देता रहूँ, क्योंकि ज़्यादा डिले होने पे फिर आपका भी मजा खिलखिला हो जाएगा और मेरी भी परेशानी को आप समझिएगा, क्योंकि एज यू ऑल नो ऑलरेडी दैट कि मैं पूरी तरह से फिट नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा लंबा बाइक राइड करने के बाद मुझे थोड़ा रेस्ट का तो ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ में नाइट अगर रेस्ट अच्छे से नहीं किया तो फिर नेक्स्ट डे मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी बाइक राइड करने में। और दूसरी बात यह है कि मुझे अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए। अगर मेरे पास मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप अच्छे से चार्ज रहा और इंटरनेट मिला तो व्लॉग मैं अपलोड करता रहूँगा, एडिट करता रहूँगा और आपको मैं व्लॉग देता रहूँगा। 2-3 दिन, 3 दिन, 4 दिन के डिफरेंस पे मिलेगा, वीक के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। और जैसे जैसे इनफैक्ट अगर 2 दिन में भी व्लॉग बनता गया तो मैं आपको अपलोड करता जाऊँगा और ये एपिसोड वाइज रहेगा। लेट्स सी हाउ इट गोज। आई होप आई डोंट मीट एनी एक्सीडेंट। आई होप इट विल बी वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी। तो लेट्स सी, आई एम वेरी एक्साइटेड मैन। आई डोंट रियली नो व्हाट टू से, व्हाट नॉट टू से। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है। पता नहीं क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अकेले जा रहा हूँ मैं, अकेले अकेले। तो सारी प्लानिंग, सारी अरेंजमेंट, सारा कुछ, एवरीथिंग आई हैव टू डू अलोन एंड आई हैव टू रिलाई अपॉन अ लॉट ऑन लक एंड ऑल ऑफ योर्स गुड विशेस। भगवान की भी मर्जी होनी चाहिए, तो उन सब चीज़ों पे मैं बहुत ही रिलाई करने वाला हूँ। और ये ट्रिप होने के बाद यार फिर कुछ और ना भी हो तो चलेगा चलेगा, बट ये ट्रिप हो जाए बस, लेह लद्दाख ये मुझे करना है इस बार। मैं आपको पता चल रहा होगा कि मेरा डिटर्मिनेशन किस लेवल का है। तो यहाँ पे कुछ लेंगे मेरी बेटी के लिए, वो एक पर्टिकुलर आइटम बहुत पसंद करती है। अच्छा ये 60 FPS पे प्रॉब्लम आ रहा है, इसको 30 FPS में चेंज करना पड़ेगा कुछ। तो ऑर्डर ले लिया, मेरी बेटी जैसे ही जानेगी खुश हो जाएगी। आई होप कि ये ठंडा ना हो, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। मैं वही बोल रहा था कि आज की टेस्ट राइड से मुझे ये मालूम चला कि मेरे कमर में दर्द अभी भी कंटिन्यूड है, अभी भी कमर में दर्द होता है। और जैसे छोटे मोटे हम्प से या ब्रोकन टर्मेक वाले रोड कंडीशन से मैं गुजरता हूँ तो वहाँ भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो ज़रूर आता है मेरे कमर पे। तो यही सब एक्सपेरिमेंट चल रहा है, बट नथिंग इज़ गोइंग टू डिटर माई प्लान।
आई एम वेरी वेरी डिटरमिंड टू डू दिस, चाहे जो भी हो जाए, पेन किलर खा के भी मुझे ये ट्रिप करना पड़े तो मैं करूँगा, क्योंकि मैं लेह लद्दाख नहीं कर पाऊँगा बाद में, ये मुझे ऐसा लग रहा है। तो यही था आज का व्लॉग, आई होप कि कुछ भी आपको थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा, अगर लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया। एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।